हेलो दोस्तों, अमरीश लेवन टेक चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रेफ्रिजरेंट 410 को कैसे गैस चार्ज करते हैं। अगर आपको गैस चार्ज करना है 410, क्या सावधानी रखनी चाहिए आपको और क्या प्रोसेस होता है 410 गैस चार्ज करने का, आज इस वीडियो में कम्प्लीट हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। क्योंकि मैं डिटेल्स में एक कंप्लीट एक वीडियो बनाया हूं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या प्रोसेस होता है 410 गैस को चार्ज करने का। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, अगर फिर बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अमरीश लेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए सीखते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप, ये हमारा वेस्टिंग हाउस का ये 2 टन का एसी है, इसमें 410 गैस इंस्टॉल है। इसे हम चेंज करेंगे, इसमें कंप्लेन है कि कूलिंग नहीं हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे सक्शन पकड़ कर देखेंगे तो बिल्कुल भी ये ठंडा नहीं है, डिस्चार्ज ज़्यादा ठंडा है। और इसमें गैस है, आप देख सकते हैं इसका गैस, दो एम्पियर गैस यहाँ पे इसका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 410A। तो लोग कहते हैं कि गैस चार्ज करने में इसका थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा आपको टॉप अप कर देना है। मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत है। इसका गैस चार्ज हम करेंगे आज, देखते हैं पहले क्या फॉल्ट है। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है गैस का ही प्रॉब्लम है इसमें। मैं गेज को सेट करता हूँ क्योंकि मेरे पास एक लो प्रेशर गेज है, एक हाई प्रेशर गेज है। लो प्रेशर गेज में तो हम चार्ज कर नहीं सकते। ये मेरे पास सारे टूल्स हैं। स्लाइड रिंग से इसका खोलेंगे, ये फ्लेयर नट, इसका डेड नट। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका ये फ्लेयर, इसका ये मोटा है, ये नहीं लगेगा, सिंपल ये नहीं लगेगा। इसके लिए मेरे पास मैं अलग से वाल्व लाया हूँ। आप ये वाल्व देख सकते हैं, ये वाल्व इसके ज़रिए लगेगा। ये मैं यहाँ कैमरा रखने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, बैठ गया आराम से 410 में। अक्सर ये बड़ा होता है इसलिए अलग से आपको एक सॉकेट रखना पड़ेगा इस तरह का। आप देख सकते हैं इस तरह से सॉकेट आपको रखना पड़ेगा अलग से 410 के लिए।
क्योंकि ये सॉकेट हमारा जो है पहले से ये गेज इसमें बैठता नहीं है, इसके लिए अलग से सॉकेट चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर कितने का है, सिर्फ 60-65 का प्रेशर है, इसलिए एसी ठंडा नहीं कर रहा था। और इसका डिस्चार्ज लिक्विड लाइन बिल्कुल ठंडा है, और इसका सक्शन लाइन जो मोटा पाइप है ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसे हम गैस चार्ज करेंगे 410 टॉप अप करेंगे इसे। अब टॉप अप करने में लोग कहते हैं 410 को टॉप अप कैसे करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ही आसानी से टॉप अप कर सकते हैं। लेकिन जब भी 410 आप गैस चार्ज कर रहे हो तो उसके लिए आपको धीरे धीरे स्लोली स्लोली आपको गैस चार्ज करना होता है 410, क्योंकि सिलेंडर उल्टा करके हमें चार्ज करना पड़ता है इसको। इसे हमें लिक्विड फॉर्म में चार्ज करना पड़ता है। यहाँ पे हम लाइन को कनेक्ट करेंगे, सॉरी ये खास से कैमरा पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसके लिए सॉरी। अब देखिए यहाँ से हम वाल्व को खोलेंगे इसे, और सिलेंडर को उल्टा कर देंगे, क्योंकि मेरा गैस फुल है इसलिए मुझे पूरा उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से इसे पर्च कर देंगे इसे, इसका गैस थोड़ा सा इसमें जो एयर होता है पाइप में उस गैस को निकाल देंगे यहाँ से, ऐसे यहाँ से ढीला करेंगे ये निकल जाएगा। और जो हमारे इस पाइप में लाल वाले पाइप में जो हमारे सिस्टम से लगा हुआ है सक्शन लाइन से, यहाँ से भी थोड़ा सा निकाल देंगे, ये निकल गया हमारा। अब यहाँ से गैस को हम छोड़ेंगे, इसे हम स्लोली स्लोली चार्ज करेंगे। इसके साथ ही मैं कैलोमीटर भी लगा लेता हूँ। प्लीज कम हियर हेल्प मी बिकॉज आई हैव ओपन द बैग। नहीं नहीं उसको नहीं लगाना है। यहाँ से हम एम्पियर भी चेक करते रहेंगे, सॉरी यहाँ न्यूट्रल में लगाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 6 एम्पियर है, और यहाँ से गैस को खोलेंगे, गैस हमारा लिक्विड फॉर्म में चार्ज हो रहा है इसलिए थोड़ा हम धीरे धीरे स्लोली स्लोली चार्ज करेंगे इसको, और तेज़ी से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंप्रेसर पे अटैक होता है तेज़ी से चार्ज करने पर। और यहाँ पे इसका एम्पियर भी देख लेंगे कि कितना एम्पियर है, 7.2 एम्पियर इसे लेना चाहिए, अभी 6.7 एम्पियर है ये हमारा, 6.7 एम्पियर। और इसे हमें सक्शन हमारा प्रेशर होना चाहिए 120 से 130 PSI, फिलहाल अभी थोड़ा धूप कम हो गया है इसलिए हमें 110 PSI तक देना है, 110 से 115 PSI तक है। क्योंकि आफ्टरनून में जब दोपहर होगा बहुत तेज़ी से धूप होगा तब ये प्रेशर हमारा 110 से बढ़कर के 120 हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे सक्शन हम देखेंगे, सक्शन बिल्कुल ठंडा हो गया है क्योंकि पहले 60 का प्रेशर था, 65 का प्रेशर था इसलिए ठंडा नहीं हो रहा था, अभी देख सकते हैं आप 105 का प्रेशर हो चुका है। हमारा सिलेंडर उल्टा है, लिक्विड फॉर्म में इसे हम चार्ज कर रहे हैं गैस को। और यहाँ पे देख सकते हैं आप एम्पियर भी 7.1 एम्पियर हो गया है, 7.2 एम्पियर चाहिए इसे,
तो लगभग हो गया है। अब हमें और ज़्यादा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने में हो गया है हमारा सिलेंडर। हम चिंता कर देते हैं इसे, बस यही सिंपल सा प्रोसेस है 410 गैस चार्ज करने का, बहुत ही आसान तरीका है। लोग डरते हैं कि 410 को गैस चार्ज करने में डेंजरस होता है, ख़तरा होता है, ब्लास्ट हो जाता है कंप्रेसर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सावधानी से जब हम गैस को चार्ज करेंगे, रेफ्रिजरेंट को बहुत आराम से हम चार्ज करेंगे, तो कुछ भी ऐसा डेंजरस होने का चांस नहीं होता है कभी भी, बहुत ही आसानी से। लेकिन ध्यान रहे कि मैं फिर बताना चाहूँगा, जब भी आप 410 गैस चार्ज करने जाएं किसी भी सिस्टम में, तो आपको ये सॉकेट अलग से लेना पड़ेगा 410 के लिए। किसी भी एयर कंडीशनर शॉप में ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप वहाँ पे मांगेंगे कि 410 गैस चार्ज करने के लिए सॉकेट चाहिए मुझे, तो ये सॉकेट आपको मिल जाएगा वहाँ पे। क्योंकि ये नॉर्मल सॉकेट जो हमारा होता है पहले से, जो हमारे चार्जिंग लाइन के साथ होता है, यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। किसी भी मार्केट में आप जा करके परचेस कर सकते हैं। अभी सक्शन हम चेक करेंगे, सक्शन आ गया है बिल्कुल। अब हमें ज़्यादा गैस और चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। 110 PSI हो चुका है। 110 PSI से ज़्यादा मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि अभी शाम के यहाँ पे कितने बज रहे हैं, शाम के 5:30 बज रहे हैं, इसलिए अभी ज़्यादा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब दोपहर में जब धूप होगा, बहुत तेज़ी से गर्मी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक इसका टेम्परेचर, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी 110 प्रेशर है, इसका प्रेशर बढ़ करके 120-130 PSI हो जाएगा। कि आप देख सकते हैं छत पे कितने AC लगे हुए हैं, इस सारे AC पूरा जहाँ तक आप देख सकते हैं इस छत पे, पूरा यहाँ 20 बिल्डिंग है, सारे AC का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला हुआ है। इसलिए नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है, कितना सिंपल प्रोसेस है। बहुत ही आसानी से 410 गैस को हम चार्ज कर सकते हैं। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है। जो लोग कहते हैं कि कंप्रेसर फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ भी नहीं है। आपको टॉपअप करना है, बहुत ही आसानी से इस तरह से टॉपअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।